ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पति पत्नी के बीच अगर किसी प्रकार की अनबन है, किसी भी प्रकार की खटास है उनके रिश्तों में, उसको दूर करने वाला एक महा उपाय शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये उपाय पति और पत्नी में से कोई भी अपना सकते हैं। अगर पति को लगता है कि पत्नी उनकी बात नहीं सुनती हैं, उनसे झगड़े करती हैं, तो वो इस उपाय को कर सकते हैं। अगर पत्नी को भी ऐसा लगता है कि पति उनकी बात नहीं सुनते, उनकी बातों से सहमत नहीं होते और इसी बीच से परिवार में कलेश हो जाता है, अनबन हो जाती है, तो वो भी इस उपाय को अपना सकती हैं। अगर पति और पत्नी दोनों में से किसी को लगता है कि उनका जो जीवन साथी है उनको समय नहीं दे रहा है, पत्नी को ऐसा लगता है कि पति ऑफिस के अपने कामकाज में उलझे रहते हैं, उनसे बैठकर ठीक से बातें नहीं करते, अगर वो कुछ बातें कर रही हैं तो सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, अगर इस प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि परिवार में अन्य सदस्यों की वजह से भी अनबन और खटास पति और पत्नी रिश्ते में आ जाती है, तब भी इस उपाय को आप करें। अगर आपके मन में कोई शंका है कि आपके पति आपको समय ना देकर किसी अन्य को समय दे रहे हैं, कोई दूसरा भी उनकी जिंदगी में है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो बहुत ही कारगर और छोटा सा ये कार्य जो मैं आपको बताने जा रही हूं, आप जरूर कीजिए। इस उपाय को आपको करना है रविवार के दिन। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको चाहिए क्या? एक लाल रंग की थैली, थोड़े से पीले सरसों के दाने आपको चाहिए और दो गोमती चक्र। ये तीन चीजें आपको चाहिए होगी। रविवार के दिन आप सुबह में भी कर सकते हैं इस उपाय को और शाम को भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इसमें कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करना। आपको उस लाल थैली में वो पीले सरसों डालने हैं और दो जो गोमती चक्र मैंने आपको बताए उस पर लिखना है, एक पर अपना नाम और एक पर अपने पति का नाम या पत्नी का नाम, जो भी कर रहे हैं उपाय को। लाल रंग की कलम से आप छोटा छोटा सा, देखिए गोमती चक्र छोटा होता है, तो आप छोटा छोटा सा अपना और अपनी पत्नी का या पति का नाम लिख करके उस पीली सरसों की थैली में, जिस थैली में आपने पीले सरसों रखे हैं, उसमें उसे डाल देंगे। देखिए, अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि गोमती चक्र छोटा होता है, नाम अगर बहुत बड़ा है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे में आप सिर्फ नाम लिखें, सर नेम जो आपका नाम के साथ जुड़ा होता है। जैसे अगर किसी का नाम राम शर्मा है तो वो राम शर्मा पूरा ना लिखें, वो राम लिखें, पत्नी का नाम दूसरे पे लिखें। देखिए, यहां पर इंटेंशन, भाव देखा जाता है। कई बार ये भी सवाल आते हैं कि इस नाम के बहुत लोग हैं। बहुत लोग आपके लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। आपका जो भाव है, जो इंटेंशन के साथ आप उस काम को करते हैं, किसी भी उपाय को, किसी भी प्रयोग को, उसका फायदा आपको मिलता है। तो ऐसे में उन दोनों गोमती चक्रों पर आपको एक पर अपना और एक पर अपने पति या पत्नी का नाम लिख करके उस थैली में जिसमें आपने पीली सरसों रखी है उसमें डाल दें, उसे अच्छे से बंद कर दें। और इसे अब रखना कहाँ है, इसे इसी भाव के साथ में ध्यान करते हुए आप अपने सोने के कमरे में, अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में, कोई आलमीरा है, कोई ऐसी जगह है जहां पर वो सुरक्षित रहे, शुद्धता से रखा रहे, आप वैसे स्थान पर उसे रख दें। बस इतना सा ही कार्य है दोस्तों, रविवार के दिन करना है। आप सुबह भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। इस उपाय में समय की कोई पाबंदी नहीं है दोस्तों। अब जब आपको लगे कि आपके पति आपकी पत्नी के साथ आपके रिश्ते मधुर हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि किसी भी कारणवश वो अशुद्ध हो गया है, सूतक और पातक जैसे समयों में अगर आपने उसे छू दिया, टच किया, तो ऐसे में अशुद्ध हो जाती हैं ऐसी चीजें, तो आप उसको कहीं भी बहते जल में प्रवाहित कर दें और फिर से आप एक बार नया उसी तरीके से रविवार के दिन तैयार करके वो पोटली अपने बेडरूम में रख दें। बहुत ही कारगर सा, असरदार सा ये उपाय है, जो कि बहुत फायदा बहुत लोगों को देता है। आप भी इसे जरूर अपनाइए। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर आपको इस प्रकार के कई और वीडियोस मिलेंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक शेयर भी जरूर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय माता रानी।